मेरा नाम चौधरी गुफरान है, मैं जिला प्रभारी देहरादून उत्तराखंड। सर, जैसे कि अभी रिसेंटली एक अखिल अहमद जो सेलाकुई के रहने वाले हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में देते हुए ये दिखाया कि वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जहाँ पर जमीन की कोई बात हो रही है। ये धांधलाबाजी क्या है सर, जो ये धरना दे रहे हैं बार बार? ये जो हमारे अखिल भाई हैं, ये कांग्रेस से अभी निष्कासित किए गए थे, जो पूर्व राज्य मंत्री भी लिखते हैं अपने नाम लागे कांग्रेस से, जो कि ये उन्होंने मतलब निष्कासित कर दिया था, तो उसका तो नाम ही नहीं लिखना चाहिए अब उन्हें कि पूर्व राज्य मंत्री कांग्रेस, क्योंकि अगर वो किसी भी एनजीओ के उससे हो तो अपना एनजीओ के उससे नाम लिखे, जैसे हम लिखते हैं अपना चौधरी गुफरान अहमद आजाद पार्टी जिला प्रभारी देहरादून, इसका एक अलग ही फर्क पड़ता है। दूसरा बात करें, इन्होंने 100 बीघा जमीन की बात की है कि जिसमें मतलब काफ़ी उसमें धांधलेबाजी हुई, मतलब जो भू माफिया हैं बड़े बड़े उन्होंने किया है, इन्होंने मतलब क्या किया कि मतलब कागज ट्रांसफ़र किए गए कहीं की कहीं जमीनों पे, जो रियलिटी है। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूँ, इसमें सबसे पहले मतलब जितने भी हैं सेलाकुई सेंटर हॉपटाउन में जितने बड़े बड़े भू माफिया हैं पूरे उत्तराखंड में, इसमें ऐसा कोई भू माफिया नहीं है जिसने ना किया हो अवैध रूप से। आपका मतलब ये है कि अवैध रूप से जमीन अपना रहे हैं? हाँ, अवैध रूप से मतलब इन्होंने कब्जे भी किए हैं, अवैध रूप से इन्होंने भूमि बेची भी है ट्रांसफर करा के, ये जाकिर भाई कह रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो अपने आप भी कर रखा है, अपना खुलासा तो कोई करता नहीं। जैसे आप बता रहे हो कि अपना खुलासा, थोड़ा हमारी जनता को खुलकर बताइए कि आप किस जमीन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अभी अगर बात करूँ तो सेंट्रल हाफ टाउन की बात करूँ, सेंट्रल हाफ टाउन में नीचे जाके नदी है, नदी के आसपास जितनी जमीन है वो सारी सरकार की है और उन्हीं में कोठियां बनी रखी हैं। अब वो कोठियां किनकी है वो भी सब जनता जानती है, बड़ी बड़ी कोठियां कहाँ बनाई, कहाँ के कागज ट्रांसफर हुए, कहाँ से हुए, उनमें सभी आ गए, उसमें नेता भी आ रहे हैं, वो माफिया भी आ रहे हैं और बड़े बड़े कार्यकर्ता जो हैं वो सब आ रहे हैं। और ये सब मतलब वही हो, यहाँ पे जो चल रहा है आजकल उत्तराखंड की अगर बात करूँ, यहाँ सीधा सीधा चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो जितना ताकतवर है वो ही मतलब कब्जा कर सकता है, अन्यथा कोई गरीब आदमी नहीं कर सकता। यहाँ पे कुछ कब्जे ऐसे भी कराए जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से आके यहाँ बसे 2003 के बाद, जो कि मैं सरकार से ये मतलब मांग रखता हूँ कि 2003 के बाद जो लोग यहाँ पे आए हैं उन्हें मतलब यहाँ की उत्तराखंड राज्य की जो सुविधाएं हैं फैसिलिटीज हैं वो उनको ना दी जाए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं 2003 से पहले के वो सब ऐसे घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें उत्तराखंड राज्य की जो सुविधाएं हैं फैसिलिटीज हैं वो उनको ना दी जाए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं 2003 से पहले के वो सब ऐसे घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता। और ये जो बाहर के आए हैं इन्होंने यहाँ पे इतना वो कर दिया कि मतलब रोजगार की कमी होगी सबसे पहले तो उत्तराखंड वालों के लिए, दूसरी बात यहाँ क्राइम रेट जो बढ़ा है इन्हीं की वजह से बढ़ा है। नशे की अगर बात करें, जब से ये आए हैं बाहर से, जब से ही मतलब ये क्राइम बढ़ा है हर चीज में, जितनी भी मतलब अगर यहाँ पे देखी जाए उत्तराखंड के अंदर, ये बाहर से जो लोग आए हमारे राज्य में इन्होंने ही आके किया है। और ऐसे ही लोग आज की डेट में समाज की जमीन पे जेपीसी चला के और कब्जा कर लेते हैं 2-2 बीघे का, क्या उनसे नहीं पूछते कि भाई ये कब्जा कैसे हो गया? अगर अकबर दलाल की बात करें कि अकबर दलाल भू माफिया है, चोर है, तो दूध का धुलावा तो यहाँ कोई नहीं है, दूध का धुलावा कोई नहीं है। और ये मेरे सामने मैटर आता है कि ज्योतिराम, जहां तक मेरा अंदाज है ज्योतिराम जो है ये SC ST से आता है, और इसकी जमीन की बात में मतलब जो चल रही है अकील की या इसकी अकबर दलाल की, ये ले देके तो कुछ ना कुछ सिर्फ पैसे का मामला है और कुछ नहीं है। भविष्य में ज्योतिराम ने जमीन बेची होगी अकबर दलाल को, इतना है कि ये जो SC ST की जमीन होती है इसकी रजिस्ट्री नहीं होती, ये नाम पे उन्हीं के रहती है। तो कुछ साल के बाद आके जब पहले मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होता था, उस टाइम तो इन्होंने बेच दिया 1-2 लाख रुपए में बेच दिया अकबर दलाल को, आज की डेट में इंडस्ट्री एरिया आने से उस जमीन के जो रेट है वो करोड़ों में बढ़ गए, वो करोड़ों की जमीन होगी। करोड़ों की जमीन होने के बाद ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि उसने धांधलेबाजी की है या नहीं की है। इसमें अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, स्पष्ट रूप से, तो अकबर दलाल ने उसका पैसा दिया है जमीन का, वो नाम नहीं ही, वो SC ST के तहत नहीं हुई, उसमें अगर थोड़ी बहुत ही गलती है तो वो है। बाकी जो दूसरे लोग भी आ रहे हैं इसमें खोल के सामना करके धरना प्रदर्शन करके, वो भी कोई आम जनता की समस्या के लिए समाधान करने के लिए नहीं आ रहे, सब अपना उल्लू सीधा करने वाले हैं। अगर मैं जाऊँगा तो मैं भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए जाऊँगा,
तो मेरा तो ये कहना है कि सब पहले अपने आप देखें, उसके बाद दूसरे बोले। दूसरी चीज लास्ट में एक ही चीज कहने चाहूंगा मैं, 70 बिल्ली चूहे खा के हज को जाए तो अच्छा सा नहीं लगता।